क्वेश्चन नंबर 1, द सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 23 ग्राम इथेनॉल एट 300 केल्विन. कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल इन प्योर फॉर्म इज 90 मिलीलीटर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन प्योर फॉर्म इज 51 मिलीमीटर. ठीक है, तो देखिए आंसर देखिए आंसर 1. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल इन प्योर फॉर्म कितना है? 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन प्योर फॉर्म कितना है? ये 51 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. 51 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाल लीजिए. तो मोल फ्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल निकालते हैं. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल पहले तो चीज दिया उसे देखिए. आपको मेथनॉल का अमाउंट दिया है. अमाउंट ऑफ मेथनॉल मेथनॉल और इथेनॉल. देखिए मेथनॉल का अमाउंट कितना दिया? 32 ग्राम. मेथनॉल का अमाउंट कितना? 32 ग्राम. इथेनॉल का अमाउंट कितना कह रहे हैं? इथेनॉल का अमाउंट जो है 23 ग्राम. इतना 23 ग्राम. ठीक है, अब यदि मॉलिक्यूलर मास आप दे मेथनॉल निकाल लीजिए. तो मेथनॉल क्या होता है? CH3OH. तो क्या कहते हैं? मेथनॉल कहते हैं. इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? इसको लिखिएगा आप C1H4O1. तो ये मॉलिक्यूलर मास इसे कितना बन जाएगा? 1 × 12 और +4 × 1 + 1 × 16. क्या हो जाएगा? 12 + 4 + 16 टेबल कितना हो जाएगा? 30. आप मॉलिक्यूलर मास आप इथेनॉल निकाल लीजिए. तो इथेनॉल क्या होता है? ये हो गया आपका मेथनॉल. आप इथेनॉल आ जाइए. इथेनॉल क्या होता है? CH5OH. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. तो ये हो जाएगा C2H6O1. इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 × 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम इनटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम. है ना, ये कितना हो जाएगा? 24, 6 और 16. तो 30 और 36. तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल मेथनॉल नंबर ऑफ मोल्स मोल्स ऑफ मेथनॉल. तो मेथनॉल के नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे? मेथनॉल अमाउंट ऑफ मेथनॉल अमाउंट ऑफ मेथनॉल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथनॉल. तो अमाउंट ऑफ मेथनॉल क्या? 32. मॉलिक्यूलर मास क्या? 32. नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथनॉल कितना हो गया? 1 मोल. ठीक है, अब चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकाल लीजिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इथेनॉल के कितने मोल हो गए? इथेनॉल नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल हो जाएगा आपका NC2H5OH. अमाउंट ऑफ इथेनॉल व्हिच इज 23 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल व्हिच इज 46. क्या हो जाएगा? 1/2 यानी 0.5. ये आपका हो गया NC2H5OH. है ना, अब आपको क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ फ्रॉम राउल्ट्स लॉ देखिए राउल्ट्स लॉ से क्या मिलेगा? P इथेनॉल
पी मेथनॉल पहले लिखते हैं, पी मेथनॉल इज इक्वल टू क्या होगा, पी जीरो मेथनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल कितना होगा बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल निकालिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल जो है एन सी एच थ्री ओ एच अपॉन एन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल यहाँ पर लिखने की जरूरत है, एस सी एच थ्री ओ एच। तो देखिए एस इसकी वैल्यू जो है दे रखा 90, यहाँ 90 ले लीजिए, एस सी एच थ्री ओ एच की वैल्यू कितना है, हैं इसकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल, है ना, ये कितना हो जाएगा, पी सी एच थ्री ओ एच इसको जो हो गया 90 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल कितना है एक, और 1 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 90 अपॉन 1.5, तो 900 अपॉन 15 तो क्या हो जाएगा 60, 15 हो जाएगा 15 60 90, तो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, है ना, ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल हो गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल मान देखिए लेफ्ट साइड रख कर दें, हैं लेफ्ट साइड, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल जो हम दे रहे हैं तो इथेनॉल आ गया, अब इथेनॉल निकालते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ फ्रॉम ग्राउंड फ्लॉ राउल्स ला से जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, तो प्योर स्टेट में कितना दिया है 51 और इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, है ना, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 51 इंटू 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5, ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेफ्ट साइड रख कर दें। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 और इंटू 0.5 अपॉन 1.5, तो 51 इंटू 1/3 तो क्या हो जाएगा 17, तो P C2H5 ओ एच की वैल्यू 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आगे क्या कह रहे हैं, टोटल पेपर प्रेशर, तो टोटल पेपर प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ पेपर प्रेशर तो मेथनॉल है इथेनॉल, सेकंड पार्ट है टोटल पेपर प्रेशर, टोटल पेपर प्रेशर, तो टोटल पेपर प्रेशर जो होगा वो सम ऑफ पार्शियल सम ऑफ प्रेशर पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटेंट इन सॉल्यूशन, तो यहां पर कंस्टिट्यूएंट कौन है, बताइए आपका मेथनॉल है और एथेनॉल, ये दोनों का पार्शियल प्रेशर आप जोड़ लीजिए, तो PCH3OH और PC2H5OH, ठीक है, तो PCH3OH हम निकाल चुके हैं, कितना है बताओ, PCH3OH की वैल्यू 60 निकाला है, यहां सीधे लिख दीजिए, अब पी सिक्स फाइव को लिया हमने 70 निकाला है, तो 70 लिख दीजिए, ये वैल्यू क्या होगा 77 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का, ये आपका टोटल पेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो गया, टोटल पेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सरफेस पर कितना पेपर प्रेशर पड़ा है, ठीक है, चलिए कर लेते हैं।
जैसे ये वोल्टेज मटेरियल है तो ये जो है नॉर्मल टेंपरेचर पर गिवन टेंपरेचर पे वेपर स्टेट में आ रहा है। जब वेपर स्टेट में आएंगे तो कहां जाएंगे, वेपर सरफेस पर आएंगे, लिक्विड सरफेस पर। जब लिक्विड सरफेस पर आएंगे तो लिक्विड पर प्रेशर डालेंगे, उस प्रेशर की वैल्यू कितना होगा 77 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है ना, ठीक है।